हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पंकज धीमान, फैकल्टी मेंबर ऑफ SBS लॉ कॉलेज श्री गंगानगर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस राजा नंद कुमार केस। तो आज यहाँ पे जो हम केस स्टडी करेंगे, दैट इज़ राजा नंद कुमार केस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है ये, बहुत बार ये मैक्सिमम टाइम व्यू क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हम इंडिया की लीगल हिस्ट्री को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया की लीगल हिस्ट्री में कुछ ऐसी लैंडमार्क जजमेंट हुई जो कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी या कंपनी का जो काम करने का तरीका था, और उसके बाद जो गवर्नमेंट के अंडर जितने भी गवर्नर जनरल हुए, खास करके वारेन हेस्टिंग, और वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट थी जिसके चीफ जस्टिस एलिज हेम्पे थे, उन पे कहीं ना कहीं जो है इंडियंस का विश्वास जो धीरे धीरे उठने लगा था। इंडियन जो है ये सभी चीज़ों को उनके किए हुए कामों को पसंद नहीं करते थे, और उसका एक एग्जांपल है यहाँ पे राजा नंद कुमार का केस। राजा नंद कुमार केस जो है जो केस है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको एक जुडिशल मर्डर माना जाता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल ने मिलके एक इंसान को हैंग करवा दिया, उसको फांसी की सज़ा दिलवा दी, और ना ही उसको वहाँ पे जो है इस तरीके की मर्सी पटिशन लगाने का राइट दिया गया, और ना ही उसको अपील जो है प्रीवी काउंसिल में करने का दिया गया। देखिए, हमेशा एक चीज़ पहले भी आपने देखी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिए और एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास दो ऑर्गेन हैं, एक है आपके पास काउंसिल जिसको हम सेंट्रल काउंसिल भी बोलते हैं, और दूसरा आपके पास कोर्ट, तो जिसको हम सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। ये दोनों ही सुप्रीम काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो फिर आप जो है जस्टिस की जो है एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, और इस केस में एग्जैक्टली यही हुआ। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल ने मिल के एक पर्सन को जो है हैंग करवा दिया, और ना ही उसको कोई यहाँ पे राइट मिला कि वो आगे जो है अपील कर सके या फिर मर्सी पटिशन फाइल कर सके। तो इस केस को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये केस मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए, इंट्रोडक्शन देख लीजिए पहले। द केस ऑफ राजा नंद कुमार इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फेमस केस इन द इंडियन लीगल हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इट इज़ अ केस विच इन्वॉल्व एंड सीड्स द हेटेड अमंग द इंडियंस अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट। इस केस में हमें पता चलता है कि इंडियंस जो है कितने ज़्यादा हेट किए जाते थे, और इंडियन जो है वो कितना हेट करना स्टार्ट कर गए थे सुप्रीम कोर्ट के, और द देन जो सिस्टम था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। द डिसीजन इन द केस इन दिस केस रिड्यूस द प्रेस्टीज एंड पोजिशन एंड रिड्यूस द फेथ ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की कैसे प्रेस्टीज जो प्रेस्टीज थी, उसकी पोजिशन थी, जो फेथ था इंडियन का इस सुप्रीम कोर्ट पर, वो कैसे घटा आप देखेंगे। इट इज़ ऑल्सो द केस ऑफ कॉस्टिंग डिससेटिस्फेक्शन अमंग इंडियन रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट। इंडियन जो लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से कैसे सेटिस्फाइड हुए, डिससेटिस्फाइड हुए, वो भी आप देखेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जुडिशल मर्डर। इसको जो है जुडिशल मर्डर भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नंद कुमार का जो केस था एक जुडिशल मर्डर था, बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वॉज इग्नोर्ड। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इग्नोर किया गया। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि जब आपको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता, जो डिसीजन होता है ऑन द बेस बायस होता है, पक्षपातपूर्ण डिसीजन होते हैं, और एक नेचुरल प्रोसेस जो होता है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी बात रख सकें, वो अपने फेवर में आप डिफेंस प्रोड्यूस कर सकें, आपको भी जो है अपनी बात रखने का मौका मिले, और जो आपके उस केस को सुन रहा है वो जो है बायस होना चाहिए, बायस पक्षपात वो ना करे, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि यहाँ फॉलो नहीं करेंगे। तो देर वॉज ऑल्सो फीलिंग ऑफ हेटेड अमंग द सुप्रीम काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट जो है कितने हेट करते थे इंडियंस को, ये भी पता चलता है। द क्वेश्चन इन्वॉल्व द कंसिडरेशन वेयर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लॉ टू बी एप्लीकेबल प्रोसीजर ऑफ ट्रायल एंड द कंडक्ट ऑफ द जज। तो इस केस में ये क्वेश्चन इंक्लूड जो है राइज होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे केस को सुनने की ज्यूरिडिक्शन है जो कि पहले हो चुका है, और जब सुप्रीम कोर्ट जो है इस्टेब्लिश भी नहीं हुई थी। तो देखिए, यहाँ पे डी फैक्टो लॉ हमेशा काम करता है कि वही लॉ एप्लीकेबल होता है जो कि इन्फोर्सेबल हो।
एप्लीकेट सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट उसी लॉ को जो है इन्फोर्स करवाती है जो कि एग्जिस्टेंस में हो। अगर किसी पार्लियामेंट ने या किसी सिस्टम ने उस लॉ को जो है डेड घोषित कर रखा है या उसको जो है अब उसकी इम्पोर्टेंस जो है ख़त्म हो गई, तो वो लॉ जो है लोगों पे अप्लाई नहीं होता है। इस चीज़ को भी आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि केस के फैक्ट क्या है, कैसे जो है पहले यहाँ पे केस के फैक्ट देख लेते हैं। नंद कुमार वॉज अ फेमस एंड इफेक्टिव किंग ऑफ द बंगाल। देखिए, नंद कुमार जो थे ये बंगाल के एक किंग थे। ऑन 8 जून 1775 अ सूट वॉज फाइल्ड फॉर एंग्री सूट वॉज फाइल्ड फॉर द फॉर्जरी अगेंस्ट द किंग बिफोर द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। नंद कुमार के अगेंस्ट जो है कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में एक फॉर्जरी का जाल साजी का जो है केस फाइल किया जाता है। देयर वॉज अ चार्ज अगेंस्ट दैट ही कमिटेड अ फॉर्जरी इन द केस ऑफ ज्वेलरी विद अ पर्सन नेम्ड बुलाकी दास इन 5 ईयर एगो। उस पर केस क्या चलता है कि उसने एक जालसाजी की है ज्वेलरी से रिलेटेड, इसके साथ बुलाकी दास, वो भी 5 साल पहले इन 1770 AD में। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 1774 में हुई थी, ठीक है जी। 1774 का जो चार्टर था उसके थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुई थी। और ये जो ऑफेंस जो है वो 1770 को हुआ था, 5 साल पहले हुआ था। दिस केस वॉज इंस्टीट्यूट बाय द मैनेजर ऑफ बुलाकी दास। तो केस किसने फाइल किया था, बुलाकी दास का जो मैनेजर था मोहन प्रसाद, उसने ये केस फाइल किया था जो कि कलकत्ता में एक ट्रेडर था। वेन दिस सूट वॉज इंस्टीट्यूटेड देन वॉरेन हास्टिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उस जिस टाइम पर यह केस फाइल किया गया था, यही वो दो पर्सन थे, एक वॉरेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल था सुप्रीम काउंसिल का, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोला जाता था, और सर एलिज एम्फे चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। द ट्रायल ऑफ दिस केस वॉज कंडक्टेड कंटिन्यूसली फॉर द 8 डेज एंड असिस्टेंस ऑफ 12 इंग्लिश जूरिस्ट वॉज टेकन। तो ये केस जो है लगातार 8 डेज चला, और यहाँ पे 12 जो 12 इंग्लिश जूरिस थे, जूरिस की हेल्प ली जाती थी उस टाइम पे डिसीजन लेने के लिए। जूरी बैठती थी, जूरी की मेजॉरिटी के साथ ही डिसीजन लिया जाता था। द काउंसिल ऑफ द जूरी फाउंड द चार्ज ऑफ द फॉर्जरी अगेंस्ट नंद कुमार। तो काउंसिल ऑफ जूरी थी जी, जो सुप्रीम कोर्ट की जो जूरी है, वो नंद कुमार को इस केस में जो है लिप्त पाते हैं, देखते हैं कि उनके अकॉर्डिंग जो भी एविडेंस मिले हैं उसमें जो है फॉर्जरी की है नंद कुमार ने, ये माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको डेथ पेनल्टी यहाँ पे दे देता है। ऑन 24 जून 1775 को उसको डेथ पेनल्टी दी जाती है। नॉट ओनली दिस, द सेंटेंस ऑफ डेथ पेनल्टी वाज एग्जीक्यूटेड विद इन 6 मंथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ की, ये डेथ पेनल्टी जो है सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर ही एग्जीक्यूट भी कर दी जाती है, उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। अब ये तो हो गया एक कंप्लीट फैक्ट अबाउट द केस, जहाँ पे आपने देखा कि नंद कुमार एक फेमस किंग है बंगाल के, उनके अगेंस्ट फॉर्जरी का केस चलता है कि उन्होंने फॉर्जरी की है ज्वेलरी से रिलेटेड बुलाकी दास के साथ 5 साल पहले 1770 को। बुलाकी दास का जो मैनेजर है मोहन प्रसाद, वो वहाँ यहाँ पे केस फाइल करता है। वॉरेन हेस्टिंग जो है सुप्रीम काउंसिल के जो हेड हैं, और सर एलिज एम्पे जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। ट्रायल स्टार्ट होता है, 8 दिन तक लगातार ट्रायल चलता है। 12 इंग्लिश जूरिसमैन की हेल्प ली जाती है, और फाइनली जो है फॉर्जरी के चार्ज प्रूव हो जाते हैं अगेंस्ट नंद कुमार, और सुप्रीम कोर्ट उसको फांसी की सज़ा जो है 24 जून 1775 को दे देता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ, तो इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए। ये है यहाँ पे, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। विक्टिम ऑफ एंकर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, एक्चुअली कहीं ना कहीं नंद कुमार जो था वो विक्टिम बन गया था वॉरेन हेस्टिंग का, जो कि दर्दन गवर्नर जनरल थे सुप्रीम काउंसिल के, सुप्रीम गवर्नमेंट के। देखिए, इन द केस नंद कुमार एक्चुअली वॉज विक्टिम ऑफ द एंगर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग के गुस्से का शिकार जो है नंद कुमार हुआ था। द बैकग्राउंड ऑफ इट दैट द 3 मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग यूज टू रिमेन अनहैप्पी विद द वॉरेन हेस्टिंग। क्या होता था कि वॉरेन हेस्टिंग जिसकी गवर्नर जनरल काउंसिल थी, तो वॉरेन हेस्टिंग वहाँ पर गवर्नर जनरल था, उसकी काउंसिल भी होती है, आपने पढ़ा, उसमें 3 मेंबर ऐसे थे वो जो हमेशा जो है वॉरेन हेस्टिंग से अनहैप्पी रहते थे। सो वॉरेन हेस्टिंग वॉज नॉट एबल टू मेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू विल। और देखिए, कोई भी डिसीजन होता है गवर्नर जनरल का, वो उसकी काउंसिल की हेल्प से होता है, विद द कंसेंट ऑफ काउंसिल होता है। तो ये 3 मेंबर जो थे वो हमेशा वॉरेन हेस्टिंग से खुश नहीं रहते थे, इसलिए वॉरेन हेस्टिंग जो है वो कोई भी फैसला जो है नहीं ले पाता था, क्योंकि ये जो 3 मेंबर थे हमेशा उसके अगेंस्ट ही वोट, उसके किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट ही वोट करते थे।
दोज थ्री मेंबर्स ट्राई टू यूटिलाइज द सिचुएशन एंड मेड राजा नंद कुमार टू मेक अ कंप्लेंट। ये तीनों जो मेंबर थे सिचुएशन का फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं और नंद कुमार को यहाँ पे बोलते हैं कि आप कंप्लेंट करिए वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट कि उसने जो है 4 लाख की रिश्वत ली है मीर जाफर से टू अपॉइंट विडो मुन्नी बेगम एज अ गार्जियन ऑफ नवाब। तो नवाब जो कि माइनर बच्चा है उसके गार्जियन अपॉइंट करने के लिए मुन्नी बेगम से जो है मुन्नी बेगम को जो है पे क्या करना है एक गार्जियन अपॉइंट करना है। तो मीर जाफर की डेथ हो गई थी तो मुन्नी बेगम को जो है माइनर नवाब का जो है गार्जियन अपॉइंट करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने जो है 4 लाख की जो है रिश्वत वहाँ पे जो है ली है। ये कंप्लेंट जो है की गई वॉरेन हेस्टिंग की। व्हेन द कंप्लेंट रीच टू द काउंसिल, जब ये रीच कंप्लेंट जो थी वो काउंसिल के पास पहुंची तो थ्री मेंबर्स वांटेड टू हैव एन इंक्वायरी विच वाज मेड अ वॉरेन हेस्टिंग एंग्री। तो उसके बाद फिर जो है इस पूरी काउंसिल ने इंक्वायरी कराई वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट और वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया क्योंकि वो रसूखदार था तो वो इस इंक्वायरी से बच तो गया लेकिन उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे आया। द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सर एलिच एम्फे वाज द फ्रेंड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। तो यहाँ पे अब खेल स्टार्ट होता है कि ये जो सर एलिच एम्फे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और ये वॉरेन हेस्टिंग का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। वॉरेन हेस्टिंग डिमांडेड हिज हेल्प एंड जज गेव हिम फुल सपोर्ट। और अब जो है इस केस में जो कि नंद कुमार का जो आपने ऊपर पढ़ा इस केस में वो सपोर्ट चाहता है वॉरेन हेस्टिंग जो है सपोर्ट चाहता है किसका एलिच एम्पे का जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उसको वो पूरी सपोर्ट जो है यहाँ पे मिलती है। तो ये है एक बैक हिस्ट्री जिसमें आपने देखा कि एक्चुअली हुआ क्या कि कैसे एक जुडिशियल मर्डर बन गया कैसे नंद कुमार केस जो है उसको जो है यहाँ पर जो है फांसी की सजा सुनाएगी। वो विक्टिम बन गया था किसके एंग्रनेस का वॉरेन हेस्टिंग का क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट उसने एक कंप्लेंट फाइल की थी रिश्वत से रिलेटेड। तो यहाँ तक आई होप आपको जो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फैक्ट आपने देख लिया फिर नंद कुमार के अगेंस्ट केस हो तो फाइल होता है और वहाँ पे अब उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चलता है और उसको फांसी की सज़ा जो है दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि सीधा गलत हुआ है। अब देखते हैं कि प्रिंस लॉ क्या बोलता है इस मैटर पर, क्या क्या लॉ के लूप होल रहेगी, कैसे उसको जो है फांसी की सज़ा जो है विद इन 8-6 वीक दे दी, उसको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी वहाँ पे फॉलो नहीं हुआ। तो पहले देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉ कौन कौन से अडॉप्ट की गई है आपको लिखने एग्जाम में, कि पहले आपको फैक्ट बताने हैं पूरी सिचुएशन के पूरे केस के, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लॉ यहाँ पे देखने हैं। इन दिस केस मेनली टू प्रिंसिपल ऑफ द लॉ प्रोपाउंडेड, एक द सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता अंडर द चार्टर ऑफ 1774 कैन हेयर द ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी कमिटेड इन 1770। तो एक क्वेश्चन जो सबसे पहले जो सामने आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो कि चार्टर 1774 के अंडर बनाएगी, चार्टर था 1774 का उसके अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट बनाएगी, क्या उसके पास ऐसा कोई राइट है कि वो 1770 के मामले को सुन सके। देखिए इसको बोलते हैं एक्सपोज डी फैक्टो लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में भी लिखा हुआ है कि जो लॉ जो है ख़त्म हो चुके हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट से पहले जो लॉ होंगे वो नल एंड वॉइड माने जाएंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट ही 1774 में हुई थी तो वो 1770 का जो केस है वो कैसे सुन सकता था, ये पहला क्वेश्चन था। द चार्टर ऑफ 1796 एंड 1753 हैड अप्लाइड ऑल द इंग्लिश लॉ विच वर प्रिवेलिंग एट दैट टाइम इन इंग्लैंड इन बंगाल एंड अंडर द केस लॉ डेथ सेंटेंस कुड बी अवॉर्डेड द ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी। तो चार्टर 1796 का और चार्टर 1753 का वो अप्लाइड था इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग वो अप्लाई था, क्या फॉर्जरी के केसेस में एक जालसाजी के केस में क्या फांसी की सज़ा दी जा सकती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो दो क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं, दो प्रिंसिपल हमने देखने कि क्या 1774 में जिस सुप्रीम कोर्ट की जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई क्या वो 1770 का केस जो है फॉर्जरी का वो सुन सकता था, दूसरा क्या फॉर्जरी के मैटर में फांसी की सज़ा जो है वो दी जा सकती थी। अब इस केस का क्रिटिसिज्म कैसे हुआ, तो क्रिटिसिज्म ही है जो उसे बहुत इंपॉर्टेंट है। द राजा केस ऑफ राजा नंद कुमार हैड बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन एंड क्रिटिसिज्म, क्रिटिक्स कॉल्ड द डिसीजन बायस्ड, ये पक्षपातपूर्ण ही डिसीजन था, इनजस्टिस था और मर्डर ऑफ जस्टिस, इसको कानून की हत्या जो है यहाँ पे मानी जाती है। कैसे, अब आपको यहाँ पे प्रूव करना है विद द पॉइंट। सबसे पहले द सुप्रीम कोर्ट हैड नो ज्यूरिस्डिक्शन टू हेयर द केस बिकॉज व्हेन इन 1770 द ऑफेंस वॉज कमिटेड देन द नंद कुमार वॉज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ कलकत्ता,
तो जब ये ऑफेंस क्रिएट हुआ था 77 में, तो वो कलकत्ता का रेजिडेंस नहीं था और सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन जो है उस पर नहीं आती है, ठीक है। और इस केस किसने फाइल किया, उस पर एक मोहन प्रसाद जो कि मैनेजर था बुलाकी दास का, तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी हैं। 1970 में जो ऑफेंस वहाँ पे कमिट हुआ, उस केस में सुप्रीम कोर्ट की उस केस को सुनने की ज्यूरिडिक्शन ही नहीं बनती थी। सेकंड, द लॉ अंडर विच नंद कुमार वॉज पनिश्ड, देर वॉज नो प्रोविजन ऑफ डेथ पेनल्टी फॉर द फॉर्जरी, देर वॉज अ प्रोविजन ऑफ डेथ पेनल्टी अंडर एक्ट ऑफ 1728 AD, बट नाइदर द एक्ट वॉज एप्लीकेबल इन इंडिया नॉर दो सिचुएशन वर प्रेजेंट अंडर विच द प्रोविजन ऑफ डेथ पेनल्टी कुड बी अप्लाइड एज पर द एक्ट। दस द एप्लीकेशन ऑफ एक्ट ऑफ 1728 AD। तो सेकेंड सिचुएशन यहाँ पे ये थी कि नंद कुमार जो था ऐसे केस के लिए पनिश किया गया, डेथ पेनल्टी उसको दी गई, जिस केस के लिए जनरली फांसी की सजा नहीं दी जाती है। फॉर्जरी के केसेस में क्या एक जालसाजी के केस में किसी को फांसी की सजा देना जो है कहाँ तक जायज़ है। द लॉ अंडर विच नंद कुमार वॉज पनिश्ड, देयर वॉज नो प्रोविजन ऑफ डेथ पेनल्टी। देखिए साफ लिखा हुआ यहाँ पे 1728 में डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न था, लेकिन ये जो था वो सिर्फ और सिर्फ जो है अदर केसेस में था और कुछ हीनियस क्राइम होते थे वहाँ पे था, और अगर फॉर्जी के केसेस में डेथ पेनल्टी दे भी जाती थी तो उसका जो है यहाँ पे कोई ना कोई जो है सिचुएशन जो है वो बतानी पड़ती थी कि क्यों की जा रही है, तो वो भी यहाँ पे चीज़ नहीं थी। द कमिटमेंट एंड द ट्रायल इन द केस वॉज कंडक्टेड बाय द सेम जज विच इज़ एडवर्स टू द वेल एस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ पे जो इस केस में जो एक पार्टी हो सकती है उसी जज को यहाँ पे केस होने का मौका दिया गया। देखिए ये बेल प्रिंसिपल ऑफ लॉ होता है कि जहाँ पे किसी जज का जो कि उस केस को सुन रहा है उसका किसी न किसी तरीके से उस केस में कोई इंटरेस्ट है, कोई हित है, तो वो उस केस को नहीं सुनता। तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग जो है उसका क्लोज फ्रेंड है एमपी, और वही इस केस को सुन रहा है, तो ये भी अगेंस्ट लॉ है। द एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ वॉज अप्लाइड इन दिस केस विच इज़ नॉट अलॉफुल। द एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ मैंने आपको पहले बताया, ऐसा लॉ होता है जो कि डेट है वो ख़त्म हो चुका है और एक बार जो लॉ ख़त्म कर दिया जाता है क्या उसको रीओपन करके फिर से उस केस में उस लॉ के अंडर किसी पे केस चलाया जा सकता है। तो 1770 में जो क्राइम हुआ उसके लिए क्या 1774 में जो है उसको पनिशमेंट की जा सकती है, क्योंकि उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ही नहीं थी, तो क्या उस केस को वो सुन सकती थी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। द जज इट सेल्फ स्ट्रिक्टली क्रॉस एग्जामिन द नंद कुमार एंड विटनेस विच प्रेजेंट रिप्रेजेंट दैट दे वर एक्टिंग इन द केस विद द फीलिंग ऑफ हेटेड। तो नंद कुमार के अगेंस्ट जो है क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, उसमें जो विटनेस प्रोड्यूस किए गए वो उसके अगेंस्ट हमेशा जो है हेटेड फीलिंग रखते थे। देर वॉज अ यूजुअल डिले इन द ट्रायल विच एक्सटेंडेड टू अ लॉन्ग टाइम, इट कंटिन्यूड कंटिन्यूसली। जनरली क्या होता है कि कोई ट्रायल चलता तो उसमें बहुत ज़्यादा डिले होता है, लेकिन इस केस में तो लगातार 8 दिन जो है ट्रायल चलता रहा, ऐसे लग रहा था कि किसी को ज़बरदस्ती जो है फांसी के फंदे पे लटकाना है। द एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस वॉज ऑल्सो कंडक्टेड इन हरी, 6 वीक के अंदर ही जो है उसको फांसी की सजा दी जाती है। 6 वीक के अंदर ऐसा जनरली नहीं होता है, उसको जब डेथ पेनल्टी हो जाती है तो उसको अपील करने का राइट होता है, अपील करने का राइट चला जाए तो उसको मर्सी पटिशन लगाने का राइट होता है। तो इन केसेस में देखा गया कि 6 वीक के अंडर ही उसको जो है यहाँ पे फांसी की सज़ा जो है दी दी गई। नंद कुमार जो है अपील करना चाहते थे प्रिवी काउंसिल में, जो कि हाईएस्ट बॉडी थी, आपको पता है अपीलेट बॉडी थी जो कि सुप्रीम कोर्ट जो कि इंग्लैंड में थी, तो उसको वहाँ पे अपील करने का मौका नहीं दिया गया। बट द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट गिव दैट परमिशन, ये आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास क्रिमिनल मैटर में ये राइट था कि वो आगे जो है किसी भी मैटर में जो चाहे तो उसकी कंसेंट के साथ ही जो है अपील जो है प्रिवी काउंसिल में हो सकती थी। तो यहाँ पे उसने जो है प्रिवी काउंसिल में अपील करने की परमिशन भी यहाँ पे नहीं दी। इट वॉज सेड दैट देयर वॉज नो ग्राउंड ऑफ अपील, दिस इज डायरेक्ट प्रूफ ऑफ द गिल्टी ऑफ इंटेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे जो मैलाफाइड इंटेंशन थी यहाँ पे भी पता चलता है। नंद कुमार वांटेड टू प्रेजेंट अ मर्सी पटिशन बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास वो मर्सी पटिशन लगाना चाहता था, वो भी जो है वहाँ पे नहीं लगा सका। तो यहाँ पे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में जो है हुआ क्या था और कैसे जो है नंद कुमार जो है विक्टिम बन गया एंगर ऑफ द वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड एमपी जो है एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड हैं और फांसी की सज़ा दिलवाने के लिए नंद कुमार को उन्होंने यहाँ पे जो हर एक लॉ को तोड़ा, ब्रीचमेंट ऑफ लॉ किया और जो है इतनी जल्दी ट्रायल करवाया ना, उसको अपील का यहाँ पे
वहाँ पे कोई प्रोविज़न उसके लिए दिया गया, ना ही उसको जो है मर्सी पिटीशन डालने का राइट दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी वहाँ पे फॉलो नहीं हुए और एक्सपोस्ट डिफेक्टो लॉ वहाँ पे जो है यूज़ किया गया, ऐसा लॉ जो कि डेड है, ख़त्म हो चुका है, उस लॉ के अंडर जो है उस पर केस चला के जो है उसको फांसी की सज़ा दी गई, फौजी केसेस में फांसी की सज़ा दी गई। तो ये सारे प्रिंसिपल है जिससे पता चलता है कि कैसे जो है नंद कुमार को जो है एक नंद कुमार का जो है एक जुडिशल मर्डर वहाँ पे हुआ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।